दोस्तों, मैंने आज का ये लुक सिर्फ एक मेकअप ब्रश यूज़ करके किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कुछ ₹200 का है ये ब्रश और ये पैलेट भी सिर्फ ₹259 का आता है शायद। तो अगर आप बिगनर हैं और आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये ब्रश और ये आई शेडो पैलेट आपको ज़रूर परचेज कर लेना चाहिए। Can you see the difference between these two? This is with lash and this is without lash. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप एनहेंस होके दिखे, तो don't forget the false lashes. मैं ऑलरेडी प्राइमर लगा चुकी थी, अब फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन वार्म क्रीम। और मैंने यहाँ कर लिया है क्रीम कॉन्टोर। और मैंने इस पे अप्लाई कर लेना है मेकअप मिस्ट। ऐसा करने से ये ड्राई नहीं होगा और मेरा मेकअप अच्छे से ब्लेंड होगा। पहले आपको अपने लाइट शेड को ब्लेंड करना है और अब आपको अपने डार्कर शेड को ब्लेंड कर लेना है। ये है ग्लो टू ग्लैमर पाउडर और ये है फिक्सिंग पाउडर।
एंड आई लव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम माई ग्लैम। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये लिक्विड लिपस्टिक और इसका नाम है स्मैश, लाइक ऑरेंज शेड। ब्लश तो हमारा ऑलरेडी अच्छे से लग चुका है, अब हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। और हाइलाइटर आपको अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे लगाना होता है। तो मैं इसको अच्छे से फिंगर की हेल्प से ही स्प्रेड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पाउडर ब्रश नहीं है। मैं अपना ब्रश का सेट अपनी मम्मी के घर छोड़ आई, भूल आई दादो। इस शेड का नाम है स्मैश। कैसा लग रहा है आपको ये लुक? आज मैं ग्लॉसी लिप्स करने वाली हूँ पर ग्लॉसी लिप्स अच्छे नहीं लगते ज़्यादा, पर देखते हैं आज। आपको ये मेहंदी मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।